हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन इस सेटिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन ये सेटिंग जो है ना चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको डायनामिक इफेक्ट का, ठीक है। इसे आपको टैप करना है। अब आपको जो है ना डायनामिक इफेक्ट के इस पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको इसे टैप करना है। अब आपको जो है ना ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पेज में देखिए आपका जो है ना ऊपर की साइड में आपकी ये मोबाइल फोन की स्क्रीन दे रखी है, ये सैंपल में दे रखी है। आपको यूज क्या करना है, नीचे की साइड देखिए जो बॉक्स दे रखा है ना इसे इस तरीके से स्लाइड करना है तो आपको और भी ये बॉक्सेस नजर आ जाएंगे। इनमें से आप जो है ना किसी भी बॉक्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो है इस वाले बॉक्स पे मेरा पहले से टिक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए कि यहाँ पर ये देखिए और भी बॉक्सेस है ना, इन पे आप टैप करिए तो देखिए ऊपर की साइड में जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन है ये चेंज हो गया, ठीक है। आप इनमें से किसी भी बॉक्स पे आप टिक मार्क लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई ज़रूर कीजिए और ये सेटिंग जो है ना आपकी चेंज हो जाएगी। ये सेटिंग चेंज होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब भी आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन की अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना फिंगरप्रिंट की मदद से जब आप अनलॉक करते हैं ना, तो आप जब भी अपने फिंगरप्रिंट के आइकन पर आप टच करेंगे ना, तो देखिए एक सेकंड से भी कम समय में वो रिकॉग्निशन एनिमेशन शो होता है। ये देखिए मैं इस फिंगरप्रिंट से ना ये देखिए टच करूंगा तो देखिए इस तरीके से गोल सा इस तरीके का इमेज एक बना था, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इस तरीके का ये है ना रिकॉग्निशन एनिमेशन आपको शो होता है, ठीक है। तो आप इस रिकॉग्निशन एनिमेशन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है ना यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड में ना ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में आपको लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।